दोस्तों तो चीन ने फिर से एक बार दावा कराया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का भिन्न है पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स रिकॉग्नाइजेस अरुणाचल प्रदेश एज इंडियन टेरिटरी तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया

और इनको ये नहीं पता कि आप कितनी बार भी इस चीज को रिपीट करेंगे इससे वो चीज सच नहीं हो जाती है अरुणाचल प्रदेश था है, और रहेगा भारत का एक चाइना का जो बॉर्डर है ना वो बारह देशों से मिलता है और चाइना का जो बॉर्डर की प्रॉब्लम है बॉर्डर की लड़ाई है सरहद की लड़ाई है वो करीब बाईस तेईस देशों से है इंक्रीजिंग टेंशन जो है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनी है उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे किया जाए अपने आप को उससे जो है डीअैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं दूसरी तरफ इंडिया ही है। अब मैं आपको बताता हूं, भारत ने क्या रिस्पॉन्ड करा अच्छा रिस्पॉन्ड था भारत का ये रिस्पॉन्स है दोस्तों कि हमने नोट करा है जो कमेंट चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने करे हैं और ये बड़े अबसर्ड यानी कि बेतुके बेबुनियाद बकवास कमेंट्स हैं इन्होंने जो क्लेम करा है इन्होंने जो हक जताया है भारतीय स्टेट के अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट रिपीट करते रहते हैं और इनको यह नहीं पता कि आप कितनी बार भी इस चीज को रिपीट करेंगे इससे वो चीज सच नहीं हो जाती है अरुणाचल प्रदेश था है और रहेगा भारत का एक अभिन्न अंग ये जो लोग हैं वहां के अरुणाचल प्रदेश के लोग वो बेनिफिट करते रहेंगे फायदा उठाते रहेंगे भारत के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स का जो प्रगति भारत में हो रही है जो भारत में विकास हो रहा है वो प्रोग्राम्स के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बाद क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी गए सेला टनल के मामले में तब चू 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 शुरू हो गया आप कुछ भी करो अरुणाचल में कोई भी चला जाएगा राइट तो चीन को बड़ी दिक्कत होती तो इस बार चीन को फिर भारत ने मुंह जवाब दिया है दोस्तों अच्छा वहां पे उल्टा चीन जो है वह सकपका गया है दोस्तों चीन ने फिर से एक बार दावा कराया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का भिन्न अंग है अच्छा आधी दुनिया चीन का अभिन्न है ये चीन का दावा है तिब्बत भी चीन का अभिन्न अंग है ताइवान भी चीन का अभिन्न है जो व्लाडी एक पोर्ट है रशिया का बड़ा बड़ा फेमस बड़ा पुराना मशहूर पोर्ट है वो भी चाइना का अभिन्न है मंगोलिया भी चाइना का भिन्न है मैंने कई बार बोला लोगों ने बोला मुझे लिख के बोला मेजर साहब आप मजाक करते हैं मजाक बहुत अच्छा करते हैं आप मजाक नहीं कर रहा भाई इट्स ट्रू चाइना का जो बॉर्डर है ना बारह देशों से मिलता है और चाइना का जो बॉर्डर की प्रॉब्लम है बॉर्डर की लड़ाई है सरहद की लड़ाई है वो करीब बाईस तेईस देशों से है यानी कि चीन के साथ आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर चाइना के साथ लगे वो दो तीन देश छोड़ के भी आपके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है चाइना का मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि चाइना ने छोड़ कैसे दिया यूरोप को इंग्लैंड को कैसे छोड़ दिया स्पेन को कैसे छोड़ दिया चाइनीज बोल देंगे हमारा एरिया है एनी anyway, वे तो दोस्तों चाइना ने अभी रिसेंटली कमेंट करे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है अरुणाचल प्रदेश को वो लोग साउथ टिबेट चाइना ये तो मानता है ना कि फिलीपींस एक अलग देश है उधर अगर अमेरिका आ जाए फिर चाइना को प्रॉब्लम है कि ये उस देश में क्यों चला गया मोहल्लों में होती ना कुछ लोग अंकल होते हैं आंटियां होती हैं जिनको इससे बड़ी दिक्कत है कि उसके घर में क्या बन रहा है उसके बेटे का आई में हुआ कि नहीं हुआ उसकी बेटी डॉक्टर बनी कि नहीं बनी है उसके नंबर कितना ये कुछ अंकल आंटी होते हैं ना जिनकी खास प्रॉब्लम होती है चाइना इज दैट अंकल आंटी ठीक है जी ये कह रहा है कि चाइना ने असर्ट करा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज नो राइट टू तो इंटरफेयर इन साउथ चाइना सी क्या इंटरफेयर यार साउथ चाइना सी उसका नाम हो गया चाइना सी तो क्या वो चाइना का हो गया आप एक बात बताइए चाइना क्लेम करता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका यार ऐसा किस तरीके से हो सकता है कल भारत क्लेम कर ले कि पूरा इंडियन ओशन भारत का है उसके नाम के आगे भी इंडिया लगा हुआ है तो हम ले लेंगे क्या पूरा

भारत के साथ खड़ा हो गया है और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहाँ पे जाके एक टनल का अफ्त करके आए थे तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहाँ नहीं आना चाहिए था तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए ताट साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और दूसरा ताट साहब अमरीका आखिरकार इस बात पर राज़ी हो गया है कि

और दूसरी तरफ से कराक्रम रीजन रिज, के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि का जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए इन सारे अंडर गिवन और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले आ, अमेरिकन हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी आ, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है डिफेंस में खासकर डिफेंस को जिस तरह अगले दिन अज्ञान ने दो हथियारे खरीदे भारत से भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है तो आप इस वक्त अमेरिका जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है बोलते हैं लेकिन इंक्रीजिंग टेंशनस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनी से उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए अपने आप को उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं दूसरी तरफ इंडिया ही है तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशन है उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है गहरा असर है जिस बिना पर ये हो रहा है तो जियो पॉलिटिक्स के बिना पर भी ये हो रहा है हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियो पॉलिटिक्स जो है आज की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में जो है वो डिपेंड करता था चाइना पे मैनुफेक्चर की बिना पर तो अब वो जो वो जो इंटरेस्ट या बेनिफिट है उसके पास ये वाला आ गया है तो अब इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो इंडिया है वो चाइना पे डिपेंड नहीं करेगा इस सिलसिले में या किसी हद तक नहीं करेगा या बहुत कम डिपेंडेंस उसकी हो जाएगी और जो मैंने आपको ये कहा आ, इसमें अच्छा 2022 में ये बताया गया था कि ऑलरेडी दी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट